माँ की विदाई हो रही है, माँ दुर्गा का विदाई हो रहा है। ये नजारा पटना के गंगा घाट का है, जहाँ कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं और जहाँ कह सकते हैं कि विभिन्न पूजा पंडालों से माँ की विदाई का ये जो वीडियो हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, आप इस वीडियो को देखिए। यहाँ विसर्जन का काम कृत्रिम तालाब में चल रहा है। पटना नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से ये कृत्रिम तालाब बनाया गया है, जहाँ कह सकते हैं कि माँ की विदाई के बाद उनका विसर्जन पूरी धार्मिक परंपराओं के अनुसार किया जा रहा है। यही वो कृत्रिम तालाब है जिस तालाब में ये विसर्जन का काम चल रहा है। और ये पटना का कह सकते हैं कि गंगा किनारे का ये घाट है और माँ की विदाई को लेकर पूरी तैयारियां चल रही है। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए पूजा के साथ ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है और पूरी माँ की विदाई को लेकर ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। विसर्जन का काम लगातार कल शाम से ही शुरू है, विसर्जन लगातार हो रहा है। कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं, यह नज़ारा आप देख सकते हैं। कृत्रिम तालाब में माँ का जो विसर्जन है, उस माँ के विसर्जन का कार्यक्रम हो रहा है और लगातार प्रशासनिक तौर पर यह कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ जो ये घाट है, यहाँ विभिन्न घाट है, भद्र घाट है, जनार्दन घाट है, इन घाटों पर यहाँ कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से माँ की विदाई को लेकर ये पूरा चल रहा है। और यहाँ कंट्रोल रूम बनाया गया, हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक कंट्रोल रूम में जो अधिकारी बैठे हैं, उनसे भी बात करने की यहाँ कोशिश की है। यहाँ कंट्रोल रूम बनाया गया है, यहाँ विसर्जन का जो काम चल रहा है, यहाँ प्रशासनिक तौर पर है। कितना सर विसर्जन हो गया होगा अभी तक? अभी आज तो हुआ, अभी तक हमारे पास छह आए सुबह से, जब मैं बैठा हूँ तब से छह। कल मेरी ड्यूटी 2 बजे ऑफ हो गई थी, देख लेता हूँ आपको बता देता हूँ। कल हुई थी 42 जी, छह। देखिए 42 कल हुआ था और आज अभी तक कह सकते हैं कि कई मूर्तियों का विसर्जन हुआ है। तो लगातार चल रहा है विसर्जन का काम और नगर निगम के लोग लगातार यहाँ लगे हुए हैं और कृत्रिम तालाब में ये विसर्जन का काम हो रहा है। गंगा में विसर्जन नहीं करना है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार। एनजीटी का आदेश है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ये आदेश होता है। तो फिलहाल माँ के विसर्जन का लगातार काम चल रहा है और प्रारंभिक में कह सकते हैं कि धार्मिक मंत्रोच्चारण के बीच ये विसर्जन हो रहा है। सहयोगी श्याम के साथ मुर्गबालम कशिश में पटना।